यहाँ पे पता चलेगा आने वाले एमपी इलेक्शन में, यहाँ पे पतंग कटेंगी 100%। आने वाले टाइम में पतंग भारतीय जनता पार्टी ओल्ड सिटी से काटेंगी, क्योंकि हमारे को आता अच्छा पतंग खींचना है। अब तक उनका पाला दूसरों से पड़ा था, अभी तो पूरी पब्लिक भी हुशियार हो चुकी है। आने वाले टाइम में तुम्हारे को पक्का बताएंगी। जय हैप्पी संक्रांति, जय श्री राम। सभी मेरे भारतवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज संक्रांति है, कल पूरे बिल्डिंगों पर सब लोग छत पर रहेंगे अपने बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ। मैं सभी मेरे माताओं बहनों से और भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखो और अपने बच्चों को रेलिंग से गिरने का और ये शॉट मारने का अभी बहुत चीजें सामने आ रही है, उसका ध्यान रखते हुए हमारा त्यौहार मनाओ। और दूसरी चीज, जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग गाड़ी तेज मत चलाइए। दो दिन तंगूस का मांझा बहुत खराब है, उससे गले कट जा रहे हैं, कई मौतें हो जा रही, तो अपना ध्यान रखिए। मैं संक्रांति सेफ और अच्छे से मनाइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी संक्रांति। अरे ना क्रमाला
सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की। मैं सभी से पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम सबको अपने बच्चों का, जो छतों पर रहते हैं फैमिली, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी अपने को पता चल रहा है कि कितने सारे केसेस गिर गए, सो शॉट मारे, सो कई लोग मर जा रहे हैं। तो उस पर ध्यान रखिए, अपना फैमिली का कर्तव्य है। और दूसरी चीज, जो गाड़ियां चला रहे तंगूस मांझे से, जिसके गले कट के, अभी एक मिलिट्री के हमारे जवान का भी गला कट के मर चुका है, बहुत बुरी खबर आई है। तो आप सब लोग ध्यान रखिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ, संक्रांति को हमारे तेलंगाना के खास करके नौजवान लोग आंध्रा जाने की कोशिश करते हैं। तो ये ओल्ड सिटी में एक बार आई है, आप लोग देखिए हर बिल्डिंग पर पतंगों का कैसा क्रेज रहता है यहाँ पर त्योहार मनाने का। हर बिल्डिंग पे फैमिली आके फोकसा लगा के, लाइटर लगा के मनाती है। वहाँ पे आंध्रा जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मना सकते हैं, ऐसा संदेश ओल्ड सिटी में आपको मिल सकता है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे पता चलेगा आने वाले एमपी इलेक्शन में, यहाँ पे पतंग कटिंग ही 100% आने वाले टाइम में पतंग भारतीय जनता पार्टी ओल्ड सिटी से काटेंगी, क्योंकि हमारे को आता अच्छा पतंग खींचना है। अब तक उनका पाला दूसरों से पड़ा था, अभी तो पूरी पब्लिक भी हुशियार हो चुकी है, आने वाले टाइम में तुम्हारे को पक्का बताएंगी। जय श्री राम। आज संक्रांति का ईद है, संक्रांति शुभाकांक्षलु, संक्रांति का बधाई है सबको। यहाँ पे ये ओल्ड सिटी में और बेगम बाजार में ये माहौल अच्छा है। काइट फेस्टिवल में आना मेरे को अच्छा दिख रहा है। अभी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे आना, ये काम पूरा देखना, सब लोगों का खुशियाँ देखना, ये मेरा खुशकिस्मती है। इसलिए एक काइट फेस्टिवल को यहाँ पे आया था। यहाँ पे स्पेशली नाइट में हर बंगला के ऊपर पूरा सारे जनता काइट फेस्टिवल बना रहे, सब लोग खुशी में है, सब लोग ऐसे ही, भगवान सबको खुशी देना चाह रहा हूँ, और सब लोग उनको संक्रांति का बधाई है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे मेरे जोड़े माँ, देखो तो माँ, हमारे जोड़े, कौन सा कौन सा? भैया आज कब आया तुम्हारा? कुछ
बस बस चरण भाई सभी को संक्रांति की शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। मैं सभी से पहले तो एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हम सबको अपने बच्चों का जो छतों पे रहते हैं फैमिली, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी अपने को पता चल रहा है कि कितने सारे केसेस गिर गए सो, शॉट मारे सो, कई लोग मर जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखिए, अपना फैमिली का कर्तव्य है। और दूसरी चीज़ जो गाड़ियाँ चला रहे तंगूस मांझे से, जिसके गले कट के, अभी एक मिलिट्री के हमारे जवान का भी गला कट के मर चुका है, बहुत बुरी खबर आई है, तो आप सब लोग ध्यान रखिए। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, संक्रांति को हमारे तेलंगाना के खास करके नौजवान लोग आंध्रा जाने की कोशिश करते हैं, तो ये होल सिटी में एक बार आइए, आप लोग देखिए हर बिल्डिंग पर पतंगों का कैसा क्रेज़ रहता है यहाँ पर त्यौहार मनाने का। हर बिल्डिंग पर फैमिली आके फोकसा लगा के लाइटर लगा के मनाती है, वहाँ पर आंध्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी मना सकते हैं, ऐसा संदेश ओल सिटी में आपको मिल सकता है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे पता चलेगा आने वाले एमपी इलेक्शन में यहाँ पे पतंग कटिंग ही 100% आने वाले टाइम में पतंग भारतीय जनता पार्टी ओल सिटी से काटेंगी, क्योंकि हमारे को आता अच्छा पतंग खींचना है, अब तक उनका पाला दूसरों से पड़ा था, अभी तो